नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हम लोग यूनिट वेट लेते हैं किसी भी बार मार्क का और उसको हम लोगों को अलग अलग बार मार्क के हिसाब से यहाँ पे वेट शो करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि देखिए जैसे कि क्या हो गया कि मैंने यहाँ पर लिखा कि जैसे कि यहाँ पर मैंने बार मार्क नहीं डाया में लिखा जैसे मैंने कि 12 हो गया और 10 mm हो गया, ये 8 mm का हो गया, ये 16 का हो गया, ये 12 का हो गया, ये 12 का हो गया, ये 20 का हो गया, है ना, ये 25 mm का सरिया हो गया, ठीक है, और ये 32 mm का हो गया, 12 mm का हो गया, 10 mm का हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में शीट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग वेट शो करना है, तो उसके लिए हमारे पास में यूनिट वेट भी होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी की कटिंग लेंथ हमारी कटिंग लेंथ है यहाँ पे एक बार की 11 मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, 11 मीटर है और ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जैसे 10 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 10, 8 और 15 और 16, 8, 10, 11, ये इस तरीके से, है ना, ये सारी मीटर्स में यहाँ पे कटिंग लेंथ दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि इतने मतलब ये नंबर ऑफ बार्स कितने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स है यहाँ पे 120। ठीक है, सब में मैं एक अभी 120 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे 120 ले लिया। अब यहाँ पे टोटल लेंथ तो हम लोग बना लेंगे, जैसे कि मैंने टोटल लेंथ बनाई तो मुझे क्या करना है, इसका और इसका प्रोडक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये मल्टीप्लाई बाय ये हमको करना है। ठीक है, और इसको हम लोगों को यहाँ पे रख के और डबल क्लिक कर देना है तो ये सारी टोटल लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, वेट निकालना है। अब 12 mm का सरिया है और इतनी टोटल लेंथ है तो उसका वेट क्या होगा, है ना। अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे और फिर यहाँ पे जैसे कि 12 mm का कितना यूनिट वेट, 0.888, और फिर मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा वेट टोटल लेंथ का, ये इतना 1172 kg। ठीक है, फिर हम लोग 10 mm के लिए निकालना चाहें तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 0.617 इंटू, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ बार से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करते करते तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, या तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट सॉल्यूशन ये कि यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाए, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट वेट का उसको नाम दे दें, यूनिट वेट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.19। ये मैंने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से वेट निकल के आ गया। इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ तीन पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे 0.888 निकल के आया। ठीक है, और यहाँ पे सबको मैं ड्रैग कर देता हूँ, है ना, तो ये सारे जितने भी हमारे बाहर से उन सबका यहाँ पे ये निकल के आ गया एक यूनिट वेट, है ना। अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे जैसे वेट है तो यहाँ पे प्लस किया मैंने और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया और इसने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक वैल्यू दे दी। ठीक है, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो जितना भी यहाँ पे हमारा वेट है वो टोटल निकल के आ गया अलग अलग यूनिट वेट के हिसाब से। एक तरीका हो गया ये। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आपके पास में एक और तरीका है जिससे आप लोग कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे ये कॉलम हटा देता हूँ, ये कॉलम मैंने हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज वो फॉर्मूला लगा हुआ था तो वो मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास में एक कमांड होती है लुकअप कमांड, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लुकअप कमांड, देखिए कितना आसान हो जाएगा काम। ये लुकअप मैंने कमांड लगाई, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक किया और मैं फॉर्मूले में चला गया। अब मुझे क्या करना है, देखो अब लुकअप किस में लुकअप करना है मुझे, इस वाली सेल में, है ना, तो ये हो गई हमारी ये वैल्यू। ठीक है, अब लुकअप वेक्टर में क्या आएगा, लुकअप वेक्टर में ये कि E2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, लुकअप E2 और E2 में क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारे बार के डायज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे 8 mm से शुरू होता है तो हम पहला तो लिख देंगे 8, है ना, फिर कोमा लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो ये बाहर निकल गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32। देखिए ये चीज़ें क्या है, ये है
ये सारे बार के डायज हैं, स्टैंडर्ड बार के डायज, मतलब 8, 10, 12, 16, 20, 25, 22 और 32, ये सारे क्या हैं, इसके डायज है ना। अब इसमें ये फाइंड आउट करना है हमको, अगर ये मिल जाए उसमें तो, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मिल गया, अब जैसे कि यहाँ पे 12 mm है, तो लुकअप वेक्टर क्या करेगा कि इसमें फाइंड करेगा कि कौन सी वैल्यू है। अगर यहाँ पे 12 मिली तो अब देखिए क्या होगा, अब जैसे कि मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज किया, अब यहाँ पे मैं आगे चला तो अब क्या हुआ, अब मैंने कोमा लगाया तो रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट क्या चाहिए आपको है ना, तो रिजल्ट आपको क्या चाहिए भाई, कि अगर 8 mm हो तो उसके लिए हमारे पास में क्या वैल्यू होती है, 0.315 है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 0.395, ठीक है। अगर 8 mm हुआ तो ये वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर 10 mm के लिए सर्च करेगा, तो उसके लिए क्या होती है, 0.617 है ना। फिर अगर ये भी सर्च नहीं हुआ तो फिर आगे वाले 0.888। अब जैसे कि क्या होता है कि जहाँ पे 12 mm है तो जो थर्ड वाली वैल्यू है वो यहाँ पे ले लेगा, ठीक है ना, तो 0.888 वो पिकअप कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, तो ये तो हो गया 12 mm के लिए, तो 16 mm के लिए कितना होता है, 1.58 है ना। फिर 20 mm के लिए कितना होता है, 2.469, ठीक है। अब 25 के लिए कितना होता है, 3.858। फिर 28 mm के लिए हमको देखना है तो होता है 4.84 है ना। फिर उसके बाद में 28 का हो गया, अब 32 का बचा तो 6.321 है ना, 321 ये बस, ये सारी वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब ये होगी, और इसको फिर हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल लेंथ से, तो हम लोग टोटल लेंथ में जाके और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पे नीचे उतर गया, ठीक है ना, तो I2 इस वाले सेल में वो ये वाली कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, फंक्शन को क्लोज हो गया, एंटर दबा दिया। अब यहाँ पे वो कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसको हम लोग सर्च करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो शायद ब्रैकेट की एरर हो सकती है, तो हम लोग ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ये देखिए आ गया। अब इसको मैं सब जगह पे डब ये कर देता हूँ, तो देखिए किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको आप लोग चेक कर लीजिए मैनुअली, ठीक है। जैसे कि मैं इसके लिए चेक करता हूँ 10 mm के लिए, ठीक है ना, तो 0.617 मल्टीप्लाई बाय 1200 कितनी आती है, 740, 740.4, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं 25 mm के लिए कितनी आएगी, तो 3.858 मल्टीप्लाई बाय 1920, ये 1920 है ना, तो ये कितना आता है, 7407.36। तो इस तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन होती है। तो ये देखिए एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या जो मैंने आपको बताया था अभी, यूनिट वेट का, और इन दोनों अगर आप लोग उसको हाइड करना चाहते हैं तो उसको हाइड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पे और आपका जितना भी वेट है सब निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहें कि 8 mm का कितना है, 12 mm का कितना है, तो आपको नीचे में एक यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, कि 8 mm का भाई इतना टोटल वेट इतना हो रहा है, 12 mm का इतना हो रहा है ना, 16 mm का इतना हो रहा है, या तो आप यहाँ पर बना लीजिए फिर यहीं, या फिर आप यहीं पर कर लीजिए पूरा कि भाई 8 mm का है तो 8 mm का डाया का यहाँ पे क्या वेट आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सॉर्ट आउट करेंगे और सबका टोटल यहाँ पे नीचे आप लोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है, जितना भी हमारा यूनिट वेट निकालना है, यूनिट वेट लेके और हमारा टोटल वेट, जितने भी हमारे डाया आप बार हैं, मतलब जितना भी हमारा बार का डाया है उसके हिसाब से जितनी भी टोटल लेंथ बन रही है उसके हिसाब से वेट क्या आ रहा है, तो वो इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन और शेप और बार मार्क तो हम लोगों को अब वो तो BBS में देखना पड़ेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है BBS वाला, तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा BBS समझ में आएगा। अगर पूरा BBS समझना है आपको तो स्टेप बाय स्टेप आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आपको पूरा BBS कैसे बनता है वो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।